बता दूंगा। इससे पहले दोस्तों चैनल पे नए होंगे या फिर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूं। साथ ही दोस्तों ट्रेनिंग ग्राउंड का ग्लिच ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। उसके साथ साथ दोस्तों अगर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है दोस्तों आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर देना। और भाई वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो वीडियो को भी फुली वॉच करना, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप ट्रेनिंग ग्राउंड में क्राफ्ट टूल को यूज कर पाओगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर और वीडियो करते हैं लेटेस्ट स्टार्ट। तो दोस्तों मॉन्स्टर ट्रक को सोशल जोन में कैसे ले जाना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सो जाना है और सोने के बाद दोस्तों आपको खड़ा होकर आपको यहाँ पर क्राफ्ट टूल को यूज कर लेना है और आपको यहाँ पर लगभग सीढ़ी के जैसे यहाँ पर क्राफ्ट टूल को लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, आपको मॉन्स्टर ट्रक पर बैठ जाना है और आपको यहाँ पर सीधा लगभग आपको यहाँ पर चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मॉन्स्टर ट्रक को चलाना है और चलाने के साथ दोस्तों आपको डेटा को ऑफ कर देना है और डेटा को ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको स्पीड में जाना है और स्पीड में जाने के बाद दोस्तों आपको इसको ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप डेटा को ऑफ नहीं करोगे तो दोस्तों आपका जो क्राफ्ट टूल है वो टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे को क्राफ्ट टूल ठीक से लगाना नहीं आता था तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर ठीक से सीढ़ी लगा लेना और सीढ़ी बनाने के बाद दोस्तों आप मॉन्स्टर ट्रक को जैसे चढ़ाओगे दोस्तों आपका जो मॉन्स्टर ट्रक है वो पार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और मेरे को ठीक से क्राफ्ट टूल लगाना नहीं आता था, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपने डेटा को ऑन कर देना और डेटा को ऑन करने के बाद दोस्तों आप एग्जिट पर क्लिक करना। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद भाई आपको सोशल जोन के उस पर चले जाना है। लेकिन दोस्तों मेरे को क्राफ्ट टूल ठीक से लगाना नहीं आता था, अगर दोस्तों मैं क्राफ्ट टूल से सीढ़ी बना लेता तो दोस्तों मैं मॉन्स्टर ट्रक को डायरेक्ट उस पार कर देता। लेकिन दोस्तों मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और मेरे को ठीक से क्राफ्ट टूल लगाना भी नहीं आता था, जिसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैं मॉन्स्टर ट्रक को आधा पार कर लिया हूँ। और भाई अगर आप क्राफ्ट टूल को ठीक से यूज करना जानते हो और अगर आप सीढ़ी को ठीक से बना लेते हो तो दोस्तों आप इजिली से मॉन्स्टर ट्रक को सोशल जोन में इजिली से ला पाओगे, ये मेरा फुली गारंटी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सेकंड ट्रिक बता देता हूँ कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में कैसे क्राफ्ट टूल को ले जा सकोगे। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मोड को सिलेक्ट करके आपको मैच को स्टार्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों आप आ जाओगे यहाँ पर ट्रेनिंग जोन में। ट्रेनिंग जोन में आने के बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, दोस्तों आपको चले जाना है सोशल जोन में और सोशल जोन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको 200 ऑप्शन नजर आ जाएंगे, आपको किसी भी शॉप में चले जाना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। आपको सर्फ बोर्ड और बाइक का बटन दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आप दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो जो हो सकता है कि आप एक बार में यहाँ पर सक्सेसफुल ना हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बार बार ट्राई करना। और मेरे को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको घबराना नहीं है, आपको बाइक का बटन और सर्फ बोर्ड को यूज करने का बटन दोनों को एक साथ दबाना। और जैसे दोस्तों आप दोनों को एक साथ दबा लोगे आपका इंटरफेस को इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है और सोशल जोन से एग्जिट करने के बाद दोस्तों आप आ जाओगे ट्रेनिंग जोन में। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्राफ्ट टूल को बाय करोगे तो आपको यहाँ पर बाय नहीं होगा, दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पर गन जहाँ से खरीदते हैं दोस्तों आपको वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इसमें बाय करोगे तो आपका जो क्राफ्ट टूल है वो बाय हो जाएगा। यहाँ पर देख लो दोस्तों मेरे पास लगभग 100 क्राफ्ट टूल आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाना है और जैसे दोस्तों आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे यहाँ पर आपको गुस्से के साथ वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाओगे ट्रेनिंग ग्राउंड में। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से यूज करोगे तो दोस्तों लोग आपको देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 200 MB का अपडेट आने के बाद ये वाला जो ग्लिच था दोस्तों वो खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लो मैं